भी अपनी आवाज से निकल चुके थे और आपको बता दें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी दी है उसे हम पूरे दिल से निभाएंगे। हालांकि जब वो जी बिहार झारखंड से बातचीत कर रहे थे रत्नी सदा, जब ये तय हो गया था कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी तो थोड़े भावुक भी हो गए थे। आपको बता दें कि रत्नी सदा मुसहर समाज से आते हैं, उनका एक समाज में अपनी पहचान है और खास तौर पर देखिए वो हमेशा लोगों से जुड़े भी रहते हैं और इसी समीकरण को देखते हुए ये फैसला भी लिया गया क्योंकि नीतीश कुमार की बात की जाए तो हमेशा वो बैलेंस करके और खास तौर पर जब से नीतीश कुमार आप देखते हैं कि मंत्री पद का विस्तार करते हैं तो दलित समाज को एक अलग से प्राथमिकता दी जाती है। और अभी भी आपको बता दें कि दलित समाज के कई दो नेता मंत्रिमंडल में हैं और अब आपको बता दें कि यह जिम्मेदारी रत्नेश सदा को दी जा रही है। दरअसल जीतन राम मांझी जो कि महागठबंधन से अलग हो चुके हैं और उनके बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए हम पार्टी का विलय करने पर दबाव था, खास तौर पर जेडीयू में विलय करने के लिए दबाव था और यही वजह थी कि हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस्तीफा सौंपा है। और आपको बता दें आप तस्वीरें में देख सकते हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी तस्वीरों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंच गए हैं और इसके अलावा आप देखिए कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह वो पहले से यहाँ मौजूद हैं, साथ में विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव भी यहाँ मौजूद हैं और जो भी मंत्री हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं। रत्नेश सदा खुद भी यहाँ पहले से ही पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार दरबार हॉल में आए रत्नेश सदा उनके पास तक गए, उनसे मिले, नीतीश जी ने उनको बधाई दिया नीतीश कुमार ने और उसके बाद रत्नेश सदा ने उनसे कुछ बातें की हैं। अब चूंकि समय बिल्कुल पास आ गया है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है अंजलि, तो ऐसे में अभी भी जो रत्नेश सदा हैं जिनको शपथ लेनी है वो अपने दल के जो बाकी मंत्री हैं जो बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों से बारी बारी से मिल रहे हैं और फिर वो आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि रत्नेश सदा आए हैं और अपने सीट पर फिर वो जहाँ उनको बैठना है उस सीट पर उनको वो बैठ गए हैं। लगभग पूरी तैयारी है, बस कुछ ही पल बाद अब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ आएंगे और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको मैं बता दूं कि बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी चूंकि उन्हीं को अधिसूचना पढ़नी है तो वो भी मंच पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा बिहार के डीजीपी भी यहाँ मौजूद हैं, बाकी जो तमाम बड़े अधिकारी हैं राज्य के वो भी यहाँ मौजूद हैं, पटना के डीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबके स्वागत खुद डीएम पटना खड़े होकर कर रहे हैं। राज्य भवन के जो अधिकारी हैं, जो राजभवन के जो प्रधान सचिव हैं वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जो अतिथि आ रहे हैं सबका वो स्वागत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम बिल्कुल सादगी से बहुत ही छोटे तौर पर इसको रखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग आएंगे उतने ही लोगों को इसमें बुलाया गया है जो यहाँ आए और एक शपथ होना है, शपथ ग्रहण के बाद सारे लोग यहाँ से निकल जाए। एक बात आपको बता दूं कि अभी तक जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का कोई भी जो नेता है इस कार्यक्रम में दिख नहीं रहा है क्योंकि विपक्ष पहले से मांग कर रहा था कि इस कैबिनेट में पहले से कई दागी लोग हैं, दागदार लोग हैं, उन लोगों को हटाया जाना चाहिए और इन्हीं से तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो रत्नेश सदा के चाहने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अंजलि जी बिल्कुल प्रशांत जी, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, आप वहाँ मौजूद भी हैं और देखिए बिल्कुल सादगी तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। वहीं जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी कुछ देर पहले कि देखिए कांग्रेस की लगातार मांग रही है कि मंत्रिमंडल में उनकी भी जगह और दी जाए, तो क्या अब जब बैठक होगी विपक्षी दलों की उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार क्योंकि होना तय है 2024 से पहले, तो क्या आपको लगता है चाहे आरजेडी कोटे की बात कर लें, कांग्रेस कोटे की बात कर लें, जगह दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी? देखिए अंजलि, जिस तरह से कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के दबाव कांग्रेस की तरफ से इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कांग्रेस के नेता मिल रहे थे और उनका ये कहना था
कि उनकी भागीदारी उनके संख्या आधार पर 4 होनी चाहिए और अभी तत्काल कम से कम एक भी उनके दल से नेता को, विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस ने अपने तरफ से कई नाम भी रखे थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अभी मना कर दिया तो उसके बाद से ये साफ हो गया है कि 23 तारीख को पटना में जो विपक्ष की बैठक है जिसमें 17 दल के लोग आएंगे, इस बैठक के बाद जैसा कि कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की बात की जाएगी। आपको बता दें अंजलि कि बिहार में कुल 36 लोगों को मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है नियमानुसार, जो संसदीय नियम है उसके हिसाब से, और अभी आज शपथ ग्रहण के बाद इसमें 30 मंत्री हो जाएंगे, एक मुख्यमंत्री अलग, यानी कुल 31 मंत्रिमंडल कैबिनेट के इसमें सदस्य हैं मुख्यमंत्री समेत, तो यहाँ 5 सदस्य और शामिल हो सकते हैं, जिसमें आरजेडी की तरफ से ये मांग है कि उनके जो 2 मंत्री इस्तीफा दिए थे, जिसमें कि आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह जो बिहार के एग्रीकल्चर मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और साथ में कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया था, इसके अलावा कांग्रेस का ये कहना है कि उसकी तरफ से 2 लोगों को शामिल किया जाए और जेडीयू भी अपनी तरफ से एक और सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, यानी 5 लोगों को मंत्रिमंडल में और शामिल किया जा सकता है। तो इसको लेकर के कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे ही विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद कांग्रेस और नीतीश कुमार की जो बात हुई है उस हिसाब से फिर से कैबिनेट एक बार विस्तार हो सकता है, लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो लगातार चीजें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अपनी तरफ से भले ही मांग रखे लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस पर अभी सहमत नहीं हो रहे हैं। अंजलि जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आरजेडी की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से ही ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात ये है प्रशांत जी, जब जीतन राम मांझी की बेटी संतू सुमन अलग हुए थे ऐसा लग रहा था कि डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, लेकिन बहुत आसानी से एक चेहरा मिल गया नीतीश कैबिनेट के लिए, रत्नेश सदा। और बड़ी बात यह है कि देखिए रत्नेश सदा की बात करें तो उनकी एक अलग से पकड़ है, और बड़ी बात यह है कि देखिए दलित समाज में इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा नीतीश कैबिनेट को लेकर कि देखिए यहाँ पर दलित विरोधी है। लेकिन अगर समझने वाली बात यह है प्रशांत जी कि एक तरफ ये भी गौर किया जाए, जीतन राम मांझी अलग होने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरह से बात की थी जीतन राम मांझी से, और आपको याद होगा कि जब 2013 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और फिर जब विवाद हो गया था, जीतन राम मांझी मनमानी कर रहे थे और नीतीश कुमार को वो चीजें पसंद नहीं थी और उसके बाद ही उनको हटा दिया गया था, और उसके बाद काफी विवाद हुआ था, इवन सीएम हाउस को लेकर के भी विवाद हुआ था। उसके बाद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग होकर के महागठबंधन में चले गए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि महागठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन 2020 आते आते जिस तरह से जीतन राम मांझी फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और नीतीश कुमार के कोटे से उनको 6 सीटें मिली थी जिसमें वो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 4 सीटों पर उनको विजयी जीत हासिल हुई थी, जिसमें वो खुद भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद से ही जीतन राम मांझी एक दलित फेस के रूप में महागठबंधन में सामने आ गए और नीतीश कुमार के वो खास चहेते हो गए थे, और नीतीश कुमार अपने हर चीजों को लेकर के जीतन राम मांझी से शेयर करते थे, लेकिन जब बात शराबबंदी की हुई और शराबबंदी को लेकर के लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, उसके बाद ही ये माना जाने लगा कि जीतन राम मांझी अपना फेस से एक अलग थौर तलाश रहे हैं। और इसी क्रम में इस बीच में जब 2024 को लेकर के बातचीत आगे बढ़नी शुरू हुई और विपक्षी दलों की बैठक की बात हुई तो उस समय भी जीतन राम मांझी को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, तो जीतन राम मांझी ने इसको अपना तौहीन ही माना था, और उसके बाद उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी थी कि 2024 में महागठबंधन में उनको कम से कम 8 सीटें चाहिए, और लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि 6 सीटें चाहिए। हालांकि इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से उनको बार बार कहा जा रहा था कि इस तरह की बात अभी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बाद में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने और उनके बेटे ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को विलय को लेकर के दबाव दिया जा रहा था और इसलिए उन्होंने महागठबंधन का दामन छोड़ा है, मंत्री पद छोड़ा है, तो नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा संकट सामने आ गया कि दलित फेस
और दलित समाज में ये मैसेज चला जाएगा कि नीतीश कुमार दलित के सबसे बड़े विरोध। अंजलि, आपको बीच में हम रोक के कह रहे हैं कि राज्यपाल आप दरबार हॉल में पहुंच रहे हैं, उनके आने की सूचना हो गई है। और ये देखिएगा कि राज्यपाल, मैं अपने कैमरा मैन से आपको कहता हूँ कि वो दिखाएंगे आपको कि राज्यपाल अब धीरे धीरे दरबार हॉल में अपनी कुर्सी की तरफ आ रहे हैं। और राज्यपाल जैसे ही मंच पर पहुंच जाएंगे उसके बाद से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ साहब लेकर अब मंच पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी हैं, उनके एडीसी हैं। और राज्यपाल अपने कुर्सी तक पहुंच गए हैं और उन्होंने जो अतिथि हैं उनको प्रणाम किया। और आप राष्ट्रीय शुरू हो गया है और इसके बाद इस शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। और शपथ ग्रहण में सिर्फ देखिए मंत्री को शपथ लेना है वो है दशरथ सदा, जो कि जेडीयू के विधायक हैं और सहरसा के सोनबंसा तीन बार के विधायक हैं। और इनके शपथ ग्रहण के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि दशरथ सदा देखिए सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब रत्नेश सदा शपथ ग्रहण करेंगे। ये लाइव तस्वीरें राजभवन से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मंत्री पद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार, राजभवन में मौजूद हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहाँ पर मौजूद है, कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो जेडीयू से विधायक हैं रत्नेश सदा जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, राज्यपाल फिलहाल यहाँ पर मौजूद। ये लाइव तस्वीरें राजभवन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ कुछ ही देर में लेते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि संस्कृत से उन्होंने ऑनर्स कर रखा है। रत्नेश सदा की अगर हम बात करें, सहरसा के सोनबरसा से जेडीयू के विधायक हैं, लगातार तीन बार से विधायक हैं रत्नेश सदा, वो भी मौजूद हैं यहाँ राजभवन की लाइव तस्वीरें। और अब मंत्री पद की शपथ भी कुछ ही देर में लेते हुए दिखाई देंगे। महामारी के
तो रत्नेश सदा ने ली है मंत्री पद की शपथ। ये राजभवन से लाइव तस्वीरें, राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं राजभवन से। सोनबरसा से जेडीयू के विधायक भी है रत्नेश सदा, जो अब मंत्री बन चुके हैं। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। लाइव तस्वीरें तो यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार के पैर छूते हुए भी नजर आए। देखिए इन तस्वीरों में राजभवन से लाइव तस्वीरें हैं। तो राष्ट्रगान राजभवन में, रत्नेश सदा ने ली है मंत्री पद की शपथ। राजभवन से ये लाइव तस्वीरें, राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो रत्नेश सदा अब नीतीश कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। सोनबरसा से जेडीयू के विधायक हैं और अब मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। रत्नेश सदा नीतीश कैबिनेट में हुए शामिल। राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार के पैर छूते हुए भी नजर आए रत्नेश सदा। तो राजभवन में तमाम मंत्री मौजूद हैं, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और साथ ही तमाम मंत्रीगण यहां पर मौजूद। राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, मंत्री पद की शपथ ली रत्नेश सदा ने, जिसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पैर भी छुए। तो राजभवन से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब राज्यपाल यहां से निकलते हुए, चूंकि मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए राजभवन में राज्यपाल पहुंचे, साथ ही उन्होंने यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई रत्नेश सदा को। तो कार्यक्रम संपन्न हुआ राजभवन से लाइव तस्वीर। तो राजभवन में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमाम मंत्री यहां पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीरों में आप, तो सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर तमाम लोगों से मिलते हुए। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता मंत्री यहां पर मौजूद और कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सीएम नीतीश कुमार यहां पर मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए राजभवन से लाइव तस्वीरें। रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली है और मुसहर समाज के नेता है रत्नेश सदा। नीतीश कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। अब विधानसभा में सचेतक और धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य भी हैं। संस्कृत से ऑनर्स किया हुआ है रत्नेश सदा ने। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि पूरा कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है, लेकिन दूसरी तस्वीर जिस दौरान रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली राजभवन से, ये तस्वीर। तो
ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद, कई नेता मंत्री मौजूद यहाँ पर।